श्री कीलकमंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती। सन 1947 में जनवरी की कड़कड़ाती शीत, जिसमें दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा अपने चरमोत्कर्ष पर चल रही थी। भारी पुलिस संख्या बल की तैनाती में लोग अन्यान्य उद्घोषों से वातावरण को ध्वनित कर रहे थे। स्वामी करपात्री जी हमेशा की तरह अपने धर्मावलंबी राजनैतिक मानदेय पर जस के तस अड़िग थे। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सामंजस्य समानस्य और एकमत्य ही उत्तम शासन का लक्षण है। इसी शासन का वेदों में वर्णन है, इसी का रामायण में वर्णन है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यह ईश्वरीय राज्य है। यही में शासक और शासित सबका कल्याण होता है। शास्त्र सम्मत, धर्म सापेक्ष, पक्षपात विहीन, राम राज्य हेतु संघर्ष को देवाज्ञा मान धर्म युद्ध करने वाली महान विभूति हुई स्वामी करपात्री जी महाराज। 1931 में अल्प आयु में ही जब वो दंड ग्रहण कर अपने सन्यासी धर्म में प्रवृत्त हुए, हिंदू समाज में बढ़ती शास्त्रीय धर्म की अवहेलना के चिंतन ने उनके मन को हर दिशा से घेर लिया। विधर्मिता से शताब्दियों तक निरंतर संघर्षरत हिंदू चेतना पाश्चात्य आधुनिकता की दौड़ में आज स्वयं को जितना दिशाहीन व विभाजित पा रही थी, उतना तो संभवतः किसी भी काल में नहीं पाया। ऐसी शास्त्रीय मर्यादाएं जिसका हिंदू समाज संरक्षण करना अपना स्वधर्म और विच्छेदन करना पाप समझता था, आज एक औपनिवेशिक शासन के छद्म समर्थन से उसका ह्रास करने में ही अपनी आधुनिक गति मानने लगा था। इस परिस्थिति में यद्यपि भारत स्वतंत्र भी होता है, परंतु धर्माभाव में देश की औपनिवेशिक परतंत्रता जस की तस बनी रहेगी। यही करपात्री जी का चिंतन था। धर्म नीति पति है और धर्म के अभाव में नीति विधवा हो जाती है और विधवा फलोत्पादन में असमर्थ होती है। इस दिशा में 1930 और 40 के दशकों में करपात्री महाराज ने कुछ निर्णायक संगठन, आंदोलन और साहित्य की रचना की और अंततः धर्म सम्राट की संज्ञा से उद्भासित हुए। फिर चाहे वो भारत की अखंडता अक्षुण्ण रखने हेतु धर्म संघ की स्थापना हो, गोरक्षा आंदोलन, कोड़ विरोधी यात्रा हो, या फिर नोआखाली में विभाजन की हिंसा द्वारा बलात् मुसलमान बनाए गए बंगाली ब्राह्मणों की घर वापसी का विषय हो, स्वामी जी निर्भीकता से उस अंधकारमय काल में समस्त हिंदू जन चेतना के लिए दैदीप्यमान होकर जलते रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत अखंड हो, गोवध बंद हो, अधार्मिक बिल रद्द हो, विद्या एकाएक प्रशासन हरकत में आते हुए उस शांतिमय आंदोलन पर चील गिद्धों की भांति टूट पड़ता है और करपात्री जी को बलात् पुलिस वैन में बैठाकर चल पड़ता है कारावास की ओर दूसरी बार। आखिरकार ये पहली बार थोड़े ही था जब शासन उनके अकाट्य सत्य से असहज हो गया था। तो क्या था उनका अपराध जिसने उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले राजनैतिक बंदी होने का सुयश प्राप्त करवाया? क्यों उन्हें उस समय यातनाएं झेलनी पड़ी जब बाकी देश अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था? आइए उनके इस काल के जीवन चरित्र पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। सन 1940 में हिंदुओं को एक तरफ अंग्रेजों से स्वराज्य मांगने के अपराध में घोर प्रताड़नाएं मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम अलगाववाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ऐसे में काशी के एक अधिवेशन में स्वामी जी ने धर्म संघ की स्थापना की घोषणा की। ये उन्होंने ठीक उसी समय किया जब दूसरी ओर लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आधिकारिक रूप से सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ।
छद्म मांगे अब आधिकारिक हो गई थी, अतः संघर्ष होना तय था। वहीं दूसरी ओर सेक्युलर राजनीति और अंग्रेजों के आपसी सहयोग से 1941 में हिंदू कोड बिल पारित हुआ, जिसका उद्देश्य शास्त्रीय मर्यादा को तार तार कर समाज के ऊपर एक खोखली आधुनिकता थोपने का कुटिल षड्यंत्र था। एक नारी का स्त्रीत्व ही शास्त्रीय धर्म के अनुपालन की सबसे मृदु कड़ी है। उसके पोषण से ही व्युत्पन्न पुत्र पुत्रियां सभ्यता के प्रति समर्पित रहती हैं। जननी रूपी आर्य भूमि के पयोधरों से समृद्धि की निर्मल गंगा अनवरत बहती रहे, इसके अतिरिक्त बंशीधर की लीला का अभिप्राय ही क्या है। स्वामी जी ने देश और शास्त्रों के विघटन को राष्ट्रीय चरित्र पर प्रहार माना और दोनों विवादों में विशाल जनाक्रोश को दिशा देने का कार्य सुलभ किया, जिनमें कोड विरोधी यात्रा एवं अखंड भारत यात्रा प्रमुख थे। इसी प्रकरण में उन्होंने समस्त भारत में यात्राएं और अनेक दुर्लभ यज्ञों को पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से धर्म संघ की विभिन्न शाखाओं का विस्तार किया। जिस सहजता से वे भक्ति रस को एक सामाजिक मत का आयाम देते, उसी सहजता से वे कुशल राजनीतिज्ञ से कब मार्मिक रसोपासक बन जाते, उनके अनुयायियों को पता ही न चलता। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के पश्चात नोआखाली में एक बंगाली ब्राह्मण समुदाय बलात् धर्मांतरित कर दिया गया था, एवं धर्म की पुनरावृत्ति हेतु किसी भी परामर्श का शास्त्रों से ही प्रत्युत्तर दे रहा था। क्योंकि आप स्वेच्छा से विधर्मी नहीं हुए हैं, बल्कि बलपूर्वक बनाए गए हैं, अतः ये नगण्य है और आप पूर्ववत ही ब्राह्मण हैं। राम नाम स्मरण और गंगा जलपान से आत्मशोधन अनुचित नहीं है। करपात्री जी का वहां स्वयं पहुंचकर उन ब्राह्मणों का धर्म प्रत्यावर्तन अर्थात घर वापसी करवाना उस समय के लिए एक मील का पत्थर प्रमाणित हुई, जिसने कई लोगों को आशा की एक किरण दिखाई। इसी काल में उन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद को 1948 में मूर्त रूप दिया, जिसका उद्देश्य समकालीन भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए शास्त्र मर्यादित सनातन धर्म की रक्षा करना ही था। वैचारिक पटल एवं वैश्विक मीडिया तंत्र के घोर विरोध व उनके चिंतन के प्रति जड़ता के पश्चात भी उन्हें स्वतंत्र भारत के 1952 में हुए पहले आम चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली। 1952 के लोकसभा चुनाव में राम राज्य परिषद का परिणाम सभी के लिए चौंकाने वाला था। कुल 3 सीटों के साथ परिषद जनसंघ और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे नामी दलों से कंधा मिलाकर खड़ा था। परिषद के समर्थन में संभवतः हर 100 भारतीयों में से 3 थे। हां, ये भगवती मां त्रिपुर सुंदरी का ही अपार वात्सल्य था, जिनकी करपात्री जी द्वारा अनन्य आराधना अब पूरे हिंदू समाज में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ये मां भगवती ही तो थी जिन्होंने स्वामी जी को धर्म रक्षार्थ हेतु किए गए विभिन्न क्रियाकलापों में प्रेरणा, तर्क व रक्षा प्रदान किया। उन्हीं की प्रेरणा से एक घोर वेदांती होते हुए भी अभिनव शंकर ने उत्तर भारत में लुप्त प्राय प्राचीन भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की तांत्रिक उपासना के जीर्णोद्धार में अपना अपूर्व योगदान निभाया। केवल वोट की राजनीति तक धर्म को सीमित न रखते हुए उन्होंने अपनी राजनीति का गहन विवरण अपने साहित्य विचार पीयूष एवं मार्क्सवाद और रामराज्य जैसी कालजयी रचनाओं में दिया। यहीं वैश्विक लेफ्ट द्वारा प्रायोजित सामाजिक न्याय की लहर जो भारत समेत पूरे विश्व में प्रबल हुई थी, उसका बहुआयामी विरोध जिस प्रकार स्वामी जी ने किया, वो इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म से संघर्ष की पूरे विश्व में अपने प्रकार की एक अनूठी पहल थी। समानता के विचार का शस्त्रीकरण कर ये लोग उसी सामाजिक संघर्ष को यहाँ आयात करना चाह रहे थे, जिनका अखाड़ा यूरोप 2 विश्व युद्धों के बाद भी बना हुआ था। उसी सामाजिक न्याय की आड़ में कई तीर्थ मंदिरों की मर्यादा का ये नास्तिक दिन में हरण और रात में क्रूर उपहास करते,
ऐसी स्थिति में उनकी गतिविधियों का एक केंद्र बनारस बन गया, जहां समस्त हिंदू समाज न जाने कब से अपने आराध्य श्री विश्वनाथ जी के लिए तीर्थ करता आया था। यूं तो महामना सनातन धर्मी थे, परंतु मंच से स्त्रियों और शूद्रों को प्रणव युक्त मंत्र की दीक्षा देने और समुद्र पार की यात्रा करने को शास्त्र सम्मत बता रहे थे। करपात्री महाराज को शास्त्रीय सिद्धांतों पर समझौता कदापि स्वीकार्य नहीं था। उनके लिए तो शास्त्र ही शाश्वत प्रमाण थे। जो देश काल परिस्थिति अनुसार तोड़ मरोड़ लिया जाए वो शास्त्र कैसा, फिर तो वो एक बहुमत प्राप्त प्रपत्र से अधिक कुछ भी नहीं। गंभीर तर्क वितर्क विचार विमर्श हुए, मध्यस्थ कुछ हिचक रहे थे। अंततः स्वयं मालवीय जी पराजय स्वीकार कर महाराज के शास्त्र ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हुए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केदारघाट स्थित एक मनोरम वेद शास्त्राध्ययन केंद्र उनके कर कमलों से सुशोभित हुआ, नाम पड़ा करपात्री धाम। काशी में ही अपने कुटिल षड्यंत्र में सामाजिक न्याय को ढाल बना हरिजन पुरुषों के एक समूह ने 1955 में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बलपूर्वक प्रवेश करने का असफल प्रयत्न किया। लेकिन दो वर्ष बाद 15 दिसंबर 1957 को सरकार की कुजेष्ठा से ये लोग मंदिर के गर्भगृह में घुस गए और शिवलिंग को स्पर्श कर शताब्दियों पुरानी परंपरा को खंडित कर दिया। ये प्रवेश भक्तिभाव से था या विशुद्ध राजनीतिक, ये स्पष्ट था। हरिजन गर्भ मंदिर प्रवेश शास्त्र निषिद्ध है, ये सत्य है। करपात्री महाराज ने बलात् गर्भ मंदिर प्रवेश का विरोध किया था, ये भी सत्य है। लेकिन यदि कोई ऐसा कहता है कि करपात्री महाराज ने हरिजनों को हीन मानकर ऐसा किया था, तो ये नितांत झूठ है। यदि ऐसा होता तो नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के अवसर पर भी महाराज समन्वय का मार्ग क्यों सुझाते? विश्वनाथ मंदिर की पूर्व की गली का झरोका बड़ा कर दिया जाए, जहां से हरिजन भी दर्शन करें, हम सभी विद्वान भी वहीं से दर्शन करें, काशी नरेश भी वहां से दर्शन करें। इस तरह हरिजनों को दर्शन भी होगा और समानता का अनुभव भी होगा और विश्वनाथ मंदिर की मर्यादा भी सुरक्षित रहेगी। स्वतंत्र भारत में गोहत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध। इस विषय में तत्कालीन भारतीय राजनैतिक नेतृत्व का एक मत न होना पाश्चात्य दर्शनों के अविभाज्य विरोधाभास, जिसकी भारत में तर्कहीनता के बारे में स्वामी जी ने विस्तृत व्याख्यान दिए, उसी का एक प्रमुख उदाहरण था। स्थिति ऐसी कि बाकी देश तो दूर, काशी मथुरा जैसे तीर्थ क्षेत्रों में भी गोकशी निर्भीकता के साथ गतिमान थी। बिहारी जी की पवित्र मथुरा पर भी जब गौ हत्या निर्भीक रूप से होने लगी तो लोगों का धैर्य टूट गया। इस स्थिति में करपात्री महाराज ने नेतृत्व देते हुए विषय को शासन के समक्ष स्पष्ट शब्दों में उद्भाषित किया, जिससे अंततः उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घुटने टेक दिए, मथुरा गोहत्या से मुक्त हो गई। 1953 में स्वामी जी के मथुरा में गोरक्षा हेतु वधगृहों पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रति पहले नेहरू की उदासीनता और फिर सामाजिक मंचों से घोर विरोध, ये शासन प्रायोजित विधर्मिता की लंबी कड़ी में एक पूर्वानुमानित अध्याय था। गोवंश के रक्त का वेग ज्यों का त्यों आज भी उसी धारा प्रवाह रूप से बह रहा था। बस आज का शासक वर्ग ऊंचे ऊंचे मंचों से अब इसे धर्म से घृणा के बजाय उदासीनता की संज्ञा दे। उस दिन संसद के बाहर रात के अंधेरे में न केवल मरे हुए गो भक्तों को अपितु अधमरे घायल हिंदुओं को भी बेरहमी से ट्रकों में लाद कर दिल्ली के बाहर खाइयों में डाल दिया गया। उन्हें जलाने से पहले ये तक नहीं देखा गया कि उनमें से कुछ जीवित भी हो सकते हैं। इंदिरा गांधी यही नहीं रुकी, करपात्री महाराज को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और वहां हत्यारोपियों को मुक्त कर महाराज पर प्राणघातक हमला तक करवाया गया। 1982 में शीत ऋतु करपात्री जी के जीवन में पुनः वापस आई, पर इस बार उनके सारे अनुयायी शोकाकुल थे। काशी के मनोरम देव देवालय भी आज उदासीन से थे। केदारघाट पर आज भजनों में
भगवान मनन में भी एक अव्यक्त व्याकुलता थी। स्वामी जी ने मृत्युशैया से ही श्री सूक्त के पाठ पश्चात अपने शिष्यों से रामायण जी के अयोध्या त्याग अध्याय सुनाने को कहा। फिर राधे कृष्ण विग्रह को तुलसी दल संग वक्ष पर धरकर शिव 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 कह इहलोक से शरीर अपदस्थ कर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। जैसे कुंडलिनी से जागृत शक्ति पूरे शरीर में सर्वांगीण होती है, स्वामी करपात्री जी के शिव तत्व मिलन की सूचना ने विशाल जनसमुद्र को वैसे ही झकझोर कर रख दिया। न जाने कब से चिन्हित अगड़ा पिछड़ा सूचित अनुसूचित ग्रामीण नागर के नाम वर्गों में विघटित हिंदू समाज आज रो रहा था अपने धर्म सम्राट के लिए, जिन्होंने असंख्य दिशाहीन हिंदुओं के लिए अगले कई युग कालांतर तक एक अखंड ज्ञान दीप प्रज्वलित करने का वो कार्य किया जिससे वो आज नहीं तो कल एक धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राम राज्य की संकल्पना कर सके, जहां क्षुद्र लाभ घाटे की स्पर्धा से परे मोक्षत्व की ओर अग्रसर सभी सहजता से एक दैवीय जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को हमारा शत शत नमन। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति सामंजस्य सामनस्य और ऐकमत्य की स्थापना ही उत्तम शासन का लक्षण है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यही ईश्वर राज्य है, यही धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य है। यही राज्य का वेदों में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है। इसी के द्वारा राजा प्रजा शासक और शासित सबका कल्याण होता है, सबका अभ्युदय होता है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की